गुड मॉर्निंग ऑल दी स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। जैसा कि कल हमने आपको थ्री डायमेंशनल में एक्सरसाइज 11.3 की प्रॉब्लम नंबर 6, 7 और 8 बताया था, आज हम प्रॉब्लम नंबर 9 पे आ जाएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 3x - y + 2z - 4 = 0 एंड x + y + z - 2 = 0 एंड द पॉइंट 2, 2 एंड 1। आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन मालूम करना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन 3x - y + 2z - 4 = 0 एंड x + y + z - 2 = 0 इज 3x - y + 2z - 4 + λx + y + z - 2 = 0। ये पहली इक्वेशन। इट्स पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 2, 1 6 - 2 + 2 - 4 + λ 2 + 2 + 1 - 2 = 0। यानी ये एक्स 2 है, वाई 2 है, जेड 2 है। फर्स्ट में वैल्यू को पुट कर दिया था, 3 × 2 = 6 हो गया, -2 हो गया, +2, 2 हो गया, जेड की वैल्यू 1 -4 हो गया, +λ 2 + 2 + 1 - 2 = 0 हो गया। यानी 2 + 3λ = 0, 3λ - 2λ = -2/3। फिर हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन। फर्स्ट वी गेट इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इज 3x - y + 2z - 4 - 2/3 ब्रैकेट में x + y + z - 2 = 0। यानी 3 × 3x - y + 2z - 4 - 2 × x + y + z - 2 = 0। मल्टीप्लाई कर देंगे 9x - 3y + 6z - 12 - 2x - 2i - 2z + 4 = 0। यानी आपको हो जाएगा 7x - 5y + 4z - 8 = 0। यही रिक्वायर्ड आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएंगे। 10 पे कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन वेक्टर आर 2i + 2j - 3k = 7 वेक्टर आर 2i + 5j + 3k = 9 एंड द थ्रू द पॉइंट 2, 1, 3। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन वेक्टर आर 2i + 2j - 3k = 7 एंड वेक्टर आर 2i + 5j + 3k = 9 इज वेक्टर आर 2i + 2j - 3k - 7 + λ × वेक्टर आर 2i + 5j + 3k - 9 = 0। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर आर वेक्टर आर इज इक्वल टू 2 + 2λ i + 2 + 5λ j + -3 + 3λ k - 7 - 9λ = 0। ये आपका हो गया। इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2i + j + 3k यानी 2i + j + 3k * 2 + 2λ i + 2 + 5λ j + -3 + 3λ k - 7 - 9λ = 0। यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 4λ + 2 + 5λ + -9 + 9λ = 0। यानी 9λ - 10 = 0, λ = 10/9। Putting the value of lambda in equation, first vector r is equal to 2i + 2j - 3k - 7 + 10/9, r vector r into 2i + 5j - + 3k - 9 = 0। 9 से multiply कर देंगे, 9r 18i + 18j - 27k - 63 + vector r 20i + 50j + 60k - 90 = 0। 10 से अंदर multiply कर वेक्टर आर 38i + 68j + 3k - 63 - 90 = 0। वेक्टर आर इज इक्वल टू 38i + 68j + 3k - 153 = 0। वेक्टर आर इज इक्वल टू 30i + 68j + 3k = 153। यही आपका इक्वेशन आप ले लो।